आज हमारे अध्ययन का विषय प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन करना है। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे। उनका समय तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है। उन्होंने तर्क विद्या का ज्ञान अपने गुरु सुकरात से प्राप्त किया था। सुकरात के साथ अपने संवाद में वह राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति विज्ञान, आचार विज्ञान के साथ साथ साहित्य एवं कला की समस्याओं पर भी तर्क और संवाद करते पाए गए हैं। ये संवाद आज गॉर्गियस एंड फ्रीडम, फ्रीडस, कैटिलस, प्रोटोगरस, एयान, रिपब्लिक एवं लॉज जैसे ग्रंथों में उपलब्ध हैं। सुकरात विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। संभवतः यूरोपीय दर्शनशास्त्र के पहले व्यवहारवादी आलोचक थे। उनके तर्क को आधार बनाकर प्लेटो ने कविता एवं कला पर विचार किया। आज उसी का अध्ययन हमारा अभिप्रेत है। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। उन्होंने सभी कलाओं का आकलन किया। उन्होंने सभी कलाओं को, काव्य कला को, नृत्य कला को, चित्र कला को, वास्तु कला को, संगीत कलाओं को अनुकरण कहा। वहाँ पर अनुकरण एक संबंधवाचक शब्द है, यानी अनुकरण की क्रिया और अनुकरण की वस्तु। प्लेटो के साथ एक संवाद में सुकरात कहते हैं कि एक पलंग के तीन रूप हैं। पहला, पलंग का विचार। यह विचार ही पलंग का आदि रूप है जो ईश्वर निर्मित होने के कारण शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है। दूसरा, उस पलंग का बदलाई के द्वारा बनाया जाना, अनुकरण किया जाना, उस विचार का अनुकरण है। तीसरा है, बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग का चित्रकार के द्वारा फिर से पुनर अनुकरण किया जाता है। और इस तरह से अनुकरण के तीन स्तरों की ओर वे संकेत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पलंग का विचार एक आदि रूप है, उसका सृष्टा कोई मनुष्य नहीं है, ईश्वर है। इसलिए वह परम सत्य एवं शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। दूसरा, उस विचार के, ईश्वर निर्मित उस आद्य विचार के अनुकूल बढ़ई के द्वारा बनाया जाने वाला पलंग। और तीसरा, बढ़ई निर्मित पलंग का किसी चित्रकार के द्वारा पुनर्प्रस्तुतिकरण। तब सुकरात प्रश्न करते हैं कि पलंग का कौन सा रूप आदर्श रूप है। उत्तर है, ईश्वर सृजित पलंग का विचार परक रूप, आद्य परक रूप। प्लेटो के दार्शनिक चिंतन में विचारों के सत्य का बड़ा महत्व है। सुकरात के विचारों को आधार बनाकर प्लेटो तर्क करते हैं कि कविता और कला अनुकरण है, लेकिन ईश्वर निर्मित आदर्शों या विचारों के आद्य रूपों के अनुकूल नहीं, बल्कि उसके प्रतिबिंब यानी भौतिक जगत के प्रतिबिंब का पुनर्प्रतिबिंबन है। इस तरह से कविता और कला ईश्वर निर्मित विचारों की सहसंबद्धता की के तुलना में एक निचले दर्जे की वस्तु प्रमाणित होती है। प्लेटो के दार्शनिक विचारों में, चूंकि विचारों का सत्य ही परम सत्य है, पूरी सृष्टि उसी का प्रतिबिंब है तथा कला और कलाकार उस प्रतिबिंब का पुनर्प्रतिबिंबन करते हैं, और इस कारण वे सच्चाई से तीन बार की दूरी, तिहरी दूरी पर भी होते हैं। जरा प्लेटो के दार्शनिक तर्क योजना पर विचार करें। पलंग, बढ़ई पलंग बनाता है,
पलंग की धारणा उसके मन में होती है, इस मूल धारणा का निर्माता बढ़ई नहीं होता, इस मूल धारणा का निर्माता ईश्वर होता है। इसी तरह मनुष्य के उपयोग में आने वाली हर भौतिक वस्तु का निर्माता, वस्तु की मूल धारणा का निर्माता वह ईश्वर होता है, जिसे कि आदर्श शिल्पी भी कहते हैं। इस तरह से सभी वस्तुओं के मूल में एक ही धारणा निहित होती है, यह विश्वास धर्म है। वस्तुओं को एक ही धर्म से विधा हुआ मानना, अर्थात ईश्वरीय इच्छा के अनुकरण या प्रतिबिंब का पुनर्प्रतिबिंबन मानना, एक तरह का भाववाद है, दार्शनिक भाववाद है, फिलोसफिकल आइडियलिज्म है, जो कि प्लेटो के मेटाफिजिक्स यानी अध्यात्मवाद का आधार भी है। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि वस्तुओं को एक ही धर्म से विधा हुआ मानना, अर्थात ईश्वरीय इच्छा का अनुकरण या प्रतिबिंब मानना, एक तरह का भाववाद है, एक तरह का आइडियलिज्म है, और यही फिलोसफिकल आइडियलिज्म, दार्शनिक भाववाद प्लेटो के चिंतन में अध्यात्मवाद के रूप में अभिव्यक्त होता दिखाई देता है। इस तर्क से विचारों के सत्य के साथ वस्तुओं की निकटता और दूरी, चीजों की श्रेष्ठता और भ्रष्टता, उसकी विश्वसनीयता एवं उसके मिथ्यापन, ट्रूनेस या फॉल्सनेस, उसकी सच्चाई या झूठ के एकमात्र कसौटी बन जाती है। प्लेटो ने जो तर्क दिया, चूंकि विचारों के आद्य रूप का निर्माता बढ़ई खुद नहीं होता, उस आद्य रूप का निर्माता ईश्वर होता है, बढ़ई उस आद्य रूप ईश्वर निर्मित विचार के अनुकूल पलंग को गढ़ता है, और कलाकार और कवि उस बढ़ई के द्वारा गढ़े गए पलंग का पुनर्अनुकरण करता है। इस तर्क से भौतिक वस्तुओं की सत्यता और मिथ्यापन, विचारों के आद्य रूप जिसका निर्माता ईश्वर होता है, उससे निकटता और दूरी से ही तय होगी। कोई वस्तु कितना सत्य है और कितना मिथ्या, कितना विश्वसनीय है और कितना अविश्वसनीय, इस बात की एकमात्र कसौटी ईश्वर निर्मित विचारों के आद्य रूप से उस वस्तु की निकटता या दूरी से ही तय की जा सकती है। फिर कवियों, कलाकारों को, कानूनविदों, दार्शनिक राजाओं, राजनीतिज्ञों, कानूनविदों और यहाँ तक कि एक अदना कारीगर की तुलना में भी निकृष्ट और हेय मान लेने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। परम सत्य से तेहरी दूरी के कारण कवि और कलाकार और उनकी सृजनात्मक रचनाएं मिथ्या प्रतीति कराते हैं, वह वस्तु के सार तत्व की नहीं बल्कि उसकी बाह्य प्रतीति का बोध कराने के कारण भ्रष्ट होने के लिए अभिशप्त हैं। इसलिए फिर आदर्श गणराज्य में उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं रह जाती, और कवियों कलाकारों को राज्य आदर्श गणतंत्र की सीमा से बाहर कर देने का रास्ता भी बहुत आसानी के साथ खुल जाता है। कवि बाह्य प्रकृति का अनुकरता है, उसके सार तत्व का नहीं, क्योंकि सार तत्व का निर्माता तो ईश्वर होता है, जिसे स्पिरिट कहते हैं, विचार कहते हैं, जिसे कि एब्सोल्यूट आइडिया कहते हैं, वह ईश्वर निर्मित है, और जो भौतिक दुनिया है वह ईश्वर निर्मित विचारों का प्रतिबिंबन है। कवि का अनुकरण छाया रूपी संसार का अनुकरण है, वह किसी देवलोक का अनुकरण नहीं है, इसलिए वह सत्य नहीं हो सकता है, वह सत्याभास है, वह सिर्फ एक मृग मरीचिका है, क्योंकि वह आदर्श लोग, आदर्श लोक यानी देवलोक में निर्मित विचार लोक की
अनुकृति नहीं है, अनुकरण नहीं है, बल्कि उसके बाह्य रूप भौतिक पदार्थों का अनुकरण होने के कारण निकृष्ट होने के लिए बाध्य भी है। अब जैसे ही अगर प्लेटो के तर्क को मान ले, तो चूंकि जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि ईश्वर द्वारा निर्मित विचारों के आद्य रूप जो कि परम सत्य है, परम सच्चाई है, उससे निकटता और दूरी के पैमाने पर ही हम किसी व्यक्ति के किसी कला के, किसी वस्तु के परिष्कार और उसके अपरिष्करण की कल्पना कर सकते हैं। उस तर्क से तो जो वस्तु, जो चीज जितनी ही ज्यादा ईश्वर निर्मित विचारों के परम आदर्श रूप से जितना ही ज्यादा दूर होगा, जो चीज जितनी ही ज्यादा दूर होगी उसमें विकृतिकरण का आना उतना ही स्वाभाविक भी होगा। ये विकृतियां प्लेटो के गणतंत्र को नष्ट करने वाली प्रतीत होती थी, अतः उसकी परिणति प्लेटो के दर्शन शास्त्र में कला और नैतिकता के टकराव में हुई। प्लेटो ने यह माना कि कवि कुत्सित भावनाओं को उभारता है, उद्रेक से दबे हुए दुख, दर्द, यानी मनुष्य को रुदन, करुणा, व्यथा, इन सारी भावनाओं को कवि उभारता है और इस तरह से मनुष्य को वह कमजोर करता है। क्योंकि यह आदर्श गणराज्य का संचालन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए शूरवीरों की जरूरत होती है, इसलिए कवियों और कलाकारों को आदर्श गणतंत्र की सीमा में रहने का कोई हक भी नहीं है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। जैसा कि इतिहास बताता है कि स्पार्टा और एथेंस में लंबे अरसे तक, लगभग 27 वर्षों तक युद्ध चला। दरअसल स्पार्टा और एथेंस दो भिन्न जीवन प्रणाली, जो भिन्न मूल्यादर्शों को लेकर चले थे। स्पार्टा बल वैभव के कारण प्रसिद्ध हुआ और एथेंस अपनी बौद्धिक प्रज्ञा के कारण। पेरिक्लीस का शासनकाल एथेंस के जमाने का, एथेंस का या यूं कहें यूनान का स्वर्ण काल माना जाता है। वहां उस दौर में बड़े बड़े दार्शनिक हुए, इतिहासकार हुए, होमर, एरिस्टोफेनेस, एस्किलस जैसे नाटककार हुए, थुकिदिडीस जैसा इतिहासकार और गणितज्ञ हुआ। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव प्लेटो के संवेदनशील मस्तिष्क पर सुकरात को दिए गए मृत्यु दंड का पड़ा। प्लेटो ने अपने बाल्यकाल की शुरुआत काव्य लेखन से की थी। चूंकि स्पार्टा बल वैभव पर आधारित एक राज गणतंत्र था, इसलिए वहां अधिनायक तंत्र का विकास हुआ। और चूंकि एथेंस में ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, औषधि शास्त्र आदि से संबंधित विद्वानों का वर्चस्व रहा, इसलिए वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, उस समय प्लेटो की उम्र मात्र 14 साल थी। उनके सामने दो स्थितियां बहुत स्पष्ट थी। एक तो यह कि स्पार्टा के हाथों एथेंस की पराजय की पीड़ा को प्लेटो ताउम्र पचा नहीं पाए, और यही से उनके चिंतन में एक ऑन्टोलॉजिकल ब्रेक दिखाई देता है, एक तत्व मीमांसात्मक विघटन दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम अधिक विकसित होने के बावजूद अपने गणतंत्र की रक्षा स्पार्टा के हाथों नहीं कर सके, तो इसका कारण यह है कि
हमारे अंदर शौर्य और वीरता की कमी थी। इसलिए राज्य के समुचित संचालन के लिए सिर्फ ज्ञान विज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें शक्ति का संचयन भी करना होगा। और इस तरह से एक संवेदनशील मस्तिष्क रचनात्मक भूमि से अलग हटकर एक अधिनायकवादी शासन तंत्र के समर्थन की ओर बढ़ा। लेकिन सुकरात को दिया जाने वाला फांसी ने प्लेटो के चिंतन में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका, या यूं कहें कि उसने आग में घी का काम किया। प्लेटो ने यह स्वीकार किया कि एथेंस में गणतंत्र जरूर है, जिसमें कि प्रजातंत्र के अपनी प्रतिबद्धताओं और आस्थाओं के अनुकूल सबको अपनी बात कहने की छूट है, लेकिन जब कोई बड़ा दार्शनिक सत्य के ऊपर से पर्दा उठाता है तब उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। इससे अच्छा तो एथेंस वासी ही स्पार्टा वासी ही हैं, जो एथेंस वालों की तुलना में उतने हिपोक्रेट नहीं हैं। अगर वे अधिनायक तंत्र के हिमायत हैं तो अधिनायक तंत्र का खुलकर हिमायत करते हैं, समर्थन करते हैं। वे किसी तरह का बौद्धिक प्रज्ञा को प्राप्त कर लेने का दंभ नहीं भरते। इन दो परिस्थितियों ने काव्य और कला से एक ऐसे दार्शनिक को विमुख किया जिसने अपने जीवन की प्रौढ़ावस्था, अपने बाल्यापन की शुरुआत ही काव्य सर्जना से की थी। और यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिर्फ ज्ञान विज्ञान में विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति का संवर्धन भी राज्य के समुचित संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो अपने दार्शनिक विचारों से अध्यात्मवादी थे और अपने राजनीतिक विचारों से राजसत्तावादी। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही तरफ से वे राजतंत्र से जुड़े हुए थे। अपने राजनीतिक एवं नैतिक आग्रहों के कारण ही उन्होंने कवियों और कलाकारों पर यह आरोप लगाया कि वे मनुष्य की कुत्सित भावनाओं को उभार कर उन्हें कमजोर बनाते हैं। और चूंकि राज्य संचालन का के लिए मनुष्य की कमजोरी जैसे एक त्रासदी को देखकर मनुष्य के मन में उत्पन्न जो करुणा है, जो दया है, जो रुदन है, वह उसे आंतरिक रूप से कमजोर बनाता है। चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता बंदूक से। शासन के लिए समुचित रूप से उसे चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन कवि और कलाकार मानव मन में दबी हुई कुत्सित भावनाओं के उद्रेक से उसके विवेक और उसके तर्क प्रज्ञा को नष्ट करते हैं। यह चीज उन्होंने बहुत साफ रूप से रिपब्लिक में कही। मैं उनके उस उद्धरण को उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, रिपब्लिक के 10वें अनुच्छेद में उनमें प्लेटो बताते हैं, कविता भावों को जीवन दान देती है, वह हृदय में विभाजन उत्पन्न करती है तथा उसकी एक रूपता, बुद्धि विवेक तर्क एवं भावना की एक रूपता यानी स्टीडीनेस को नष्ट करती है। हम यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि होमर कवियों में सर्वप्रथम एवं त्रासदी लेखकों में सर्वोत्तम है, लेकिन हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए कि वेद मंत्र यानी हाइम्स टू गॉड और महान विभूतियों की स्तुति ही एकमात्र कविता है जिसे हमारे समाज में, हमारे राज्य में स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर हम महाकाव्य या गीत के मृदुल संगीत में स्वर को अपनी सीमा से बाहर जाकर स्वीकार करेंगे तो तर्क और कानून के बदले हमारे राज्य में जनता, नागरिक अप्रसन्न एवं दुखी होंगे, जो कि निश्चय ही एक श्रेयस्कर स्थिति नहीं होगी। कहना चाहिए कि दर्शन और कविता में पुराना झगड़ा है। यानी कवि और कलाकारों का संबंध
भावनाओं, अनुभूतियों, आवेगों, संवेदनाओं आदि से है। राज्य का संबंध तर्क बुद्धि विवेक से है, कानून से है, जो दार्शनिक के गुण होते हैं। यहां दोनों के विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों के यानी दार्शनिक राजा तर्क बुद्धि और विवेक से संपन्न राज्य तथा भावनाओं और अनुभूतियों को का संवरण करने वाले कवि कलाकार एवं उनकी त्रासदी की रचनाएं, इन दोनों का विरोध स्वतः स्पष्ट है और इन दोनों के विरोध और टकराव की परिणति स्वयं कला और नैतिकता के बीच टकराव में हुई। ये जो दार्शनिक राजा है वह तर्क बुद्धि एवं विवेक से राज्य की नैतिकता की रक्षा करता है और कवि और कलाकार निकृष्ट जीवन भावों के उद्रेक से उसी तर्क और बुद्धि और विवेक को नष्ट करता है जो कि राज्य संचालन का अप्रतिम एवं अपरिहार्य गुण है। प्लेटो के यहां इसी बिंदु पर दर्शनशास्त्र और साहित्य का विरोध अभिव्यक्त होता है। वो लॉज में एक जगह बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसे मैं पुनः आपके सामने रखना चाहूंगा, अनुकरण की कला माइमेसिस अथवा इमिटेशन निहायत अनुपयोगी लोगों की ऐसी मालकीन है जिसका आदर्श गणतंत्र में कोई सार्थकता नहीं है। वह ऐसे लोगों की जननी है जो बोझ के समान है। अनुकरणकारी कवि ऐसे चित्रकार के समान है जिनकी कला का सत्य के आगे सत्य से अभिप्राय ईश्वर निर्मित वही परम विचार सत्य है। उस कलाकार का सत्य ईश्वर निर्मित परम सत्य के आगे विचार सत्य के आगे कोई अर्थ नहीं रखता। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, कभी आत्मा के सर्वाधिक कुत्सित अंश को न केवल उत्तेजित करता है बल्कि उनका पोषण करता है और इस प्रकार से मनुष्य के तार्किक अंशों को नष्ट भी करता है। कहने की जरूरत नहीं कि प्लेटो ने अनुकरण को अपने नैतिक आग्रहों एवं आध्यात्मिक चिंतन के कारण कला को सत्य से 3 बार दूर बताया और उसे राज्य की नैतिकता के लिए घातक सिद्ध किया। रिपब्लिक के 10वें अनुच्छेद में एक स्थान पर वह कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसे अपने जीवन में एक गंभीर भूमिका अदा करनी है वह किसी भी अन्य प्रकार के तत्वों का अनुकरण नहीं कर सकता। नाटक हमारे लिए दासों और भाड़े के टट्टू करते हैं। कविता और कला में सृजित संसार देखने सुनने वाले के समझ के लिए रुइनस यानी विनाशकारी है। श्रोता को अपनी प्रकृति का सच्चा ज्ञान दिलाने में कला और कविता सबसे ज्यादा बाधक तत्व है। दरअसल यहां देखने की एक बात और है, कवि कलाकार और काव्य कला की इतनी सख्त आलोचना कि पीछे प्लेटो के चिंतन का मकसद क्या है, उसका सामाजिक आधार क्या है। अगर इस दृष्टि से आप विचार करें तो कुछ रोचक चीजें हमारे हाथ में आती है। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि वे जिस समय और समाज की के दार्शनिक है वह भौतिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है और एक अत्यंत पिछड़े हुए यूनानी समाज में जिस चिंतन को जन्म दिया था उसके अनुसार पूरी सृष्टि किसी आदि भौतिक सत्ता और शक्ति से नियंत्रित एवं संचालित होने के कारण व्यवस्थाबद्ध भी है और उसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था प्लेटो स्वीकार नहीं कर सकते थे। यह आदि भौतिक सत्ता प्लेटो के दार्शनिक चिंतन में एकमात्र ईश्वर का सत्य है जिसे सार्वभौम विचार या एब्सोल्यूट आइडिया उन्होंने कहा, एब्सोल्यूट स्पिरिट उन्होंने कहा। सृष्टि के मूल में यही
सार्वभौम विचार निहित है जो अपने आप में न केवल सत्य है बल्कि पूर्ण भी है। यह उल्लेखनीय है कि चूंकि यह विचार का सत्य ही परम सत्य है, क्योंकि वह ईश्वर निर्मित है, इसलिए वह शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील भी है। चूंकि कला, साहित्य और दुखांतिकी उन विचारों से त्यूरी दूरी पर खड़े होने के कारण अपनी शाश्वतता की रक्षा नहीं कर सकते, वे क्षणभंगुर हैं, उनका प्रभाव भी उतना ही क्षणभंगुर सिद्ध होगा, वो मिथ्या हैं, उन्हें सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही आद्य शक्ति, यही जो विचार की ताकत है, वही पूरे आदर्श गणतंत्र का के मूल में निहित दिखाई देता है। यूनानी चिंतन में बार बार इस बात पर बल है कि सभी यथार्थ का सार तत्व एक संपूर्ण एवं परिशुद्ध, परफेक्ट एवं कंप्लीट परिघटना है जो अपने आदर्श रूप में मौजूद रहता है। प्लेटो अध्यात्मवादी दार्शनिक थे, इसलिए वह विश्वास करते थे कि सभी यथार्थ उस आदर्श रूप की विकृतियां ही हो सकती है, इसके अलावा कोई अन्य स्थिति संभव ही नहीं है। जिन्हें आदर्श रूप में बराबर प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए और इसका प्रयत्न होना चाहिए परिशुद्धि के लिए, परिमार्जन के लिए। भौतिक वस्तुओं का निरंतर एब्सोल्यूट आइडिया के करीब पहुंचना परम आवश्यक है, और इसलिए प्लेटो के लिए कला का प्रश्न सिर्फ एक विशुद्ध सौंदर्य शास्त्र की समस्या नहीं है, बल्कि वह एक दार्शनिक समस्या है। वह सामाजिक व्यवस्था और संतुलन की समस्या से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार देश, समाज, व्यक्ति सभी की मुक्ति उस आदर्श शक्ति, उस आदर्श विचार रूप ईश्वर से तदाकारिता एवं एक रूपता में है, जहां पर कि दोनों के बीच का की दूरी सिमट जाएगी और पूरे संसार में एक तरह से ईश्वर का शासन स्थापित हो जाएगा। यह बहुत कुछ हीगेल के उस विचार दर्शन की तरह है, जहां वह मानते थे कि मनुष्य का आत्म तत्व ही है जिसके माध्यम से इतिहास अपने आप को अलग अलग चरणों में खोलता है। ज्ञान के समस्त साधन, इतिहास, विज्ञान, आचार विज्ञान, न्याय व्यवस्था, ये सब परम सत्ता से तदाकारिता के लिए आत्म तत्व के आत्म विस्तार में सहायक होते हैं, और इस आत्म विस्तार की चरम अवस्था में विशुद्ध स्पिरिट यानी ईश्वर का राज होगा। हीगेल ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि इतिहास का हर अगला चरण वस्तुतः ईश्वरीय सत्ता के आत्म प्रसार का अलग अलग दौर भी है। इसकी पूर्व छवि, पूर्व झांकी प्लेटो की के दार्शनिक चिंतन में हमें दिखाई पड़ती है। उसका सूत्र हमें उस रूप में दिखाई पड़ता है जहां वह मानते हैं साहित्य एवं कला ईश्वरीय सत्ता को के आत्म प्रसार को भौतिक विश्व में रूपायित होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, और इसी कारण अव्यवस्था एवं असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए वहाँ कला के निषेध की समस्या वस्तुतः सामाजिक संगठन और व्यवस्था की समस्या से भी जुड़ी हुई है। होमर, यूरोपिटीज, एरिस्टोफेनीस, एस्किलस जैसे महान यूनानी त्रासदीकारों के बारे में प्लेटो ने जो कुछ अवमानना मूलक, तिरस्कारपूर्ण उक्तियां लिखी हैं, उसे प्लेटो के उस आप्त वचन के प्रकाश में ही परखा जाना चाहिए कि जो उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, जो हानिकारक है वही हीन है, और उपयोगी और श्रेष्ठ वही है जो परम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करने में, आत्म प्रसार में, परम सत्ता के आत्म प्रसार में मदद करे, और वही हीन है जो उसमें बाधा उत्पन्न करे,
कहने की ज़रूरत नहीं कि कला और साहित्य के बारे में एक खास दार्शनिक रुझान को लेकर प्लेटो उसके मूल्यांकन के मैदान में उतरे। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में कला और साहित्य का मूल्यांकन उन्होंने कलाएतर मानदंडों से किया, नैतिकता के आधार पर किया, शक्ति शौर्य राज्य संचालन की आदर्श व्यवस्था के रूप में किया, दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर किया, लेकिन उन्होंने कला का मूल्यांकन स्वयं कला के स्वरूप की व्याख्या करते हुए नहीं किया। यह इस कमी को प्लेटो के सुयोग्य शिष्य अरस्तु ने पूरा की, जिन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि हर कला के अभिव्यक्ति के माध्यम, अभिव्यक्ति का साधन और अभिव्यक्ति की अंतर्वस्तु अलग होती है, और इसी आधार पर उन्होंने विभिन्न कलाओं के बीच विधाओं का विभाजन किया, और इस तरह से प्लेटो के काव्य की न्यूनताओं से मुक्त होकर एक सही और वैज्ञानिक सौंदर्य शास्त्र की नींव भी रखी।